काम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन अ डेट एंड डे ऑन थ्री पेजेस. तीन पेजेस पर आपने सबसे पहले डेट एंड डे मेंशन करी, ठीक है. अब फर्स्ट पेज जो आपका है जिस पर आपने डेट एंड डे मेंशन करी है, उस फर्स्ट पेज की टू लाइंस को लिफ्ट करके ग्रामर वर्क की हेडिंग डालिए, जिस तरह आपको स्क्रीन पर शो हो रही है. थर्ड लाइन पर आपने ग्रामर वर्क की हेडिंग डालनी है. थर्ड लाइन पर आपने ग्रामर वर्क की हेडिंग डाली, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर पे ग्रामर वर्क का फर्स्ट वर्ड क्या होगा आपका? मैस्कुलाइन फेमिनाइन. मैस्कुलाइन करके उसके बाद आपने स्लैश लगाना है, फिर लिखना है फेमिनाइन. मैस्कुलाइन फेमिनाइन. मैस्कुलाइन फेमिनाइन के बाद आपने लिखने हैं वर्ड्स अपोजिट. वर्ड्स लिखा, स्लैश, देन अपोजिट. वर्ड्स अपोजिट. वर्ड अपोजिट के बाद आपने लिखने हैं सिंगुलर प्लूरल. वर्ड अपोजिट के बाद आप लिखेंगे सिंगुलर प्लूरल. आई होप आप सबने ये काम कंप्लीट कर लिया हो, अपना ग्रामर वर्क का टाइटल पेज बना लिया होगा. आप, मैं एक दफा और रिपीट कर देती हूँ. पेज की थर्ड लाइन पर आपने ग्रामर वर्क की हेडिंग डालनी है, उसके नीचे ग्रामर वर्क का फर्स्ट वर्क आपका क्या होगा? मैस्कुलाइन फेमिनाइन. सेकेंड वर्क होगा आपका वर्ड अपोजिट एंड थर्ड वर्क होगा सिंगुलर प्लूरल. टर्न आउट द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पर आइए. सबसे पहले हमने क्या करना है? मैस्कुलाइन फेमिनाइन करना है. ओके, तो नेक्स्ट पेज में आने के बाद, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन अ डेट एंड डे. डेट और डे हर पेज पे मस्ट आपने मेंशन करनी है. बहुत सारी कॉपीज चेक होने के लिए आती हैं, लेकिन उसके ऊपर डेट और डे मेंशन नहीं होती क्लास, तो इसलिए डेट और डे लाजमी मेंशन करनी है आपने. डेट और डे मेंशन करने के बाद आपने अपने पेज को टू कॉलम्स में डिवाइड करना है. टू कॉलम्स में कैसे डिवाइड करेंगे? पेज के सेंटर में स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करेंगे. इस तरह आपका पेज जो होगा वो टू कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में आपने क्या लिखना है? मैस्कुलाइन. और राइट हैंड साइड के कॉलम में आपने क्या लिखना है? फेमिनाइन. जी, पहला मैस्कुलाइन वर्ड हमारा क्या है? ब्रदर. BRO THER. ब्रदर पहला मैस्कुलाइन वर्ड है हमारा. ब्रदर. द फेमिनाइन ऑफ ब्रदर इज सिस्टर. SISTER. 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 Brother. Sister. The second word is
बुल द सेकेंड वर्ड इज बुल बी यू एल एल बुल द फेमिनाइन ऑफ बुल इज काउ सी ओ डब्ल्यू काउ The feminine of bull is cow. The third word is cock. C-O-C-K, cock. The third word is cock. C-O-C-K, cock. The feminine of cock is hen. H-E-N, hen. H-E-N, hen. Cock, hen. The word number four, horse. H-O-R-S-E, horse. The word number four, horse. H-O-R-S-E, horse. The feminine of horse, Mary. M-A-R-E, Mary. The feminine of horse, Mary. M-A-R-E. Number five, grandfather. Number five is grandfather. G R A N D grand F A T H E R father grandfather the feminine of grandfather is grandmother G R A N D grand mother M O T H E R mother Grandmother. Grandfather, grandmother. The word number six, father. F-A-T-H-E-R, father. The word number six, father. F-A-T-H-E-R, father. The feminine of father is the feminine of father is mother. The feminine of father is mother. M-O-T-H-E-R, mother. M-O-T-H-E-R, mother.
The word number 7, uncle. The word number 7, uncle. The feminine of uncle is auntie. The feminine of uncle is auntie. The word number 8 is boy, B-O-Y, boy. The feminine of boy is girl, G-I-R-L, girl. The feminine of boy is girl, G-I-R-L, girl. The word number 9 is he. He ka feminine symbol she hoga, S-H-E, she. He. She. The word number 10. Class 10. का वर्ड जो मैंने जिस तरह ब्लैंक लाइन पे लिखा है आप भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह ब्लैंक लाइन पे लिखेंगे क्योंकि सिर्फ एक वर्ड के लिए हम अपना पूरा एक पेज खराब नहीं करेंगे क्योंकि वहां हम दूसरा काम करेंगे ओके. तो आपने ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन की 10 का जस्ट एक वर्ड जो है वो आपने इसी तरह ब्लैंक लाइन पे लिखना है. मैन, एम ई एन, मैन. द फेमिनाइन ऑफ मैन इज वुमेन. The feminine of man is woman. I repeat the all masculine feminine. Number 1, brother, sister. Number 2, bull, cow. Number 3, cook, hen. Number 4, horse, marry. Number 5, grandfather, grandmother. Number 6, father, mother. Number 7, uncle, auntie. Number 8, boy, girl. Number 9, he, she. And last 10 is man, woman. Turn on the next page. Ab yahan par humne karna hai word opposite. Mention a date and day on that page. Is page par bhi aap date and day mention kijiye class. Aur date and day mention karne ke baad अब इस पेज को भी जिस तरह हमने मैस्कुलाइन फेमिनाइन के लिए टू कॉलम्स में डिवाइड किया था इस पेज को भी हम टू कॉलम्स में डिवाइड करेंगे. टू कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पेज के सेंटर में आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करना है जिसके थ्रू आपका पेज जो है वो टू कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा ओके. एक लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में आपने लिखना है वर्ड्स और दूसरे कॉलम में लिखना है आपको अपोजिट. वर्ड अपोजिट मतलब जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं उनकी आपको अपोजिट लिखनी है, उनकी उलट बतानी है ओके. जैसे
फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है डे, तो डे की उलट क्या होगी? एग्जैक्टली नाइन. अब पहला वर्ड है आपका एब्सेंट. एब्सेंट मीन्स गैर हाजिर, मतलब है ही नहीं. द अपोजिट ऑफ एब्सेंट इज प्रेजेंट. द अपोजिट ऑफ एब्सेंट इज प्रेजेंट. एब्सेंट प्रेजेंट. नंबर टू एनिमी. एनिमी कहते हैं दुश्मन को. नंबर टू एनिमी. द अपोजिट ऑफ एनिमी इज फ्रेंड. अपोजिट ऑफ एनिमी इज फ्रेंड. नंबर थ्री एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स खाली, जिसमें कुछ ना हो. नंबर थ्री एम्प्टी. द अपोजिट ऑफ एम्प्टी इज फुल. एफ यू एल एल फुल. नंबर फाइव हैवी मीन्स भारी, बहुत ज्यादा वेटेड. अपोजिट ऑफ हैवी इज लाइट, हल्का, जिसका कोई वजन ही ना हो. हैवी लाइट. हैवी लाइट. नंबर सिक्स फुलिश. फुलिश मीन्स बेवकूफ, जिसको कोई अकल नहीं होती, जिसको ये नहीं पता होता कि कहाँ पर हमें क्या बात करनी है. द अपोजिट ऑफ फुलिश वाइज, जिसे बहुत ज्यादा अकल होती है, जो हर चीज की जिसको समझ होती है, दैट इज कॉल्ड वाइज. फुलिश वाइज. नंबर सिक्स इज नॉइसी. एन ओ आई एस वाई नॉइसी. नॉइसी का मतलब होता है बहुत शोर शराबा, बहुत ज्यादा जहां पर शोरों की आवाजें आ रही हों. द अपोजिट ऑफ नॉइसी इज साइलेंट, खामोशी. द अपोजिट ऑफ नॉइसी इज साइलेंट, खामोशी. वर्ड नंबर सेवन इज पीस, अमन. यहाँ सब सुकून के साथ बिना लड़े झगड़े आराम से रह रहे हो. अमन का, पीस का अपोजिट क्या होगा हमारा? वार, जंग. पीस वार. नंबर एट देखिए रफ. क्लास रफ क्या चीज होती है? जैसे आपने कभी आप स्टोन्स देखे, ब्रिक्स देखे, वो कैसे रफ होते हैं ना, उस पर बहुत बड़े बड़े अक्सर जहाँ स्टोन्स लगे हुए होते हैं ब्रिक्स के ऊपर, जो ईंटें होती हैं उनके ऊपर से बड़े बड़े स्टोन्स बने हुए होते हैं, और जब हम उसके ऊपर इस तरह से ऐसे हाथ फेरते हैं तो वो कैसे ऊपर नीचे उसकी सरफेस लग रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रफ बोलते हैं. ठीक है. और जिनकी सरफेस बहुत स्लिपी होती है, शाइनी होती है, वो कहलाते हैं आपके स्मूथ. रफ एंड स्मूथ. रफ स्मूथ. नंबर नाइन ज्वाइन. नंबर नाइन इज ज्वाइन, मतलब जुड़ा हुआ. द अपोजिट ऑफ ज्वाइन इज सेपरेट, अलग अलग. अपोजिट ऑफ ज्वाइन इज सेपरेट, अलग अलग. लास्ट टेन भी हम बिल्कुल वर्ड मैस्कुलाइन फेमिनाइन की तरह करेंगे क्लास. जो आपके पास ब्लैंक लाइन है उसी पे आपने लिखना है काइंड, के आई एन डी, काइंड मतलब अच्छा, बहुत अच्छा,
बिहेव करने वाला, हर चीज में जो है आपका साथ देने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? काइंड कहेंगे. क्रूल, क्रूल मतलब अक्रूर, जो ठीक से बात ना करे, गुस्से गुस्सा करे बात बात पर, दैट इज कॉल्ड क्रूल. आई रिपीट द ऑल वर्ड्स. नंबर वन, एब्सेंट, प्रेजेंट, एनिमी, फ्रेंड, एम्प्टी, फुल, हैवी, लाइट, फुलिश, वाइज, नॉइसी, साइलेंट, पीस, वॉर, रफ, स्मूथ, ज्वाइन, सेपरेट, काइंड, क्रूल. ओके क्लास,